कृषि कानूनों के खिलाफ आज होने वाले भारत बंद को लेकर जिले के कप्तान ने रामनगर का निरीक्षण किया। इस बीच जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखा। किसान कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं। भारत बंद को लेकर खुफिया विभाग को भी सक्रिय किया गया। किसान संगठनों से जुड़े लोगों के साथ ही नेताओं पर भी पुलिस निगरानी रख रही है। पुलिस ने पूरे नैनीताल जिले को कई जोनों में बांटा है। जिले के कप्तान सुनील कुमार मीना ने निरीक्षण पर रामनगर पहुंचे। उन्होंने किसान विरोधी बिल के खिलाफ आंदोलन कर रही लोगों के बारे में जानकारी लेने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही सुनील कुमार मीना ने ईटीवी से वार्ता करते हुए बताया कि हमारी सोशल मीडिया पर भी नजर है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत FIR जैसी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया नैनीताल जिले में अभी शांति की व्यवस्था है। किसानों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, पुलिस प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? ये किसानों के द्वारा आज भारत बंद का एक आह्वान किया गया है, उसमें हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है और सभी जगह पे तैनात है। हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। अभी तक कोई किसी तरह की अप्रिय सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सब कुछ सामान्य चल रहा है। जिन लोगों ने दुकान खोलनी थी उन्होंने दुकानें खोली हैं और जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से बंद की है उन्होंने बंद कर रखी है। बाकी स्थिति सामान्य है।